सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए किया जाता है और इसके उदाहरण हैं मैं, हम, तू, तुम, वह आदि। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में जानते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए, श्रोता के लिए या पाठक के लिए या अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। इन दोनों वाक्यों में वह और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। सबसे पहले जानते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करें, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, मुझे, तुम्हारा आदि। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं राधा के घर गया जो कि दूर है, वह राम है जिसने तुमसे अभी बात की थी। इन वाक्यों में जो और जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
वह पुस्तक मेरी है, वह मेरी माँ है। इन दोनों वाक्यों में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे घर पर कोई आया हुआ है, किसी ने यह बैग यहाँ छोड़ दिया है। इन वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो सर्वनाम वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कौन हो, मोहन कहाँ जा रहा है। इन वाक्यों में कौन और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं खाना खा लूंगा, आप रहने दो, मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा। तो इन वाक्यों में स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम हैं।